हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी एशियन इंडिया की सीरीज का चैप्टर 18, जिसका नाम था क्राफ्ट ट्रेड एंड टाउन इन द पोस्ट मॉडर्न एज। यहाँ मैंने सारे पॉइंट्स यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं हम क्राफ्ट से। तो जो एज थी साकास, कुशांस और सत्वनास की 200 BC से लेके 200 AD तक के लिए, और जो फर्स्ट टमिल स्टेट थी ये उस समय की बहुत फ्लरिशिंग पीरियड रहा था हिस्ट्री में, क्राफ्ट और आर्ट और कॉमर्स में एशियन इंडिया में, ठीक है। और दीगनया विच बिलोंग्स टू प्री मॉडर्न टाइम्स मेंशन अबाउट 2 dozen ऑफ ऑक्यूपेशन। दीगनया है जो प्री मॉडर्न टाइम से बिलोंग करता है, ये मेंशन करता है करीब 2 dozen ऑक्यूपेशन का। बट महावस्तु विच बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ कैटलॉग्स 36 काइंड ऑफ वर्कर्स लिविंग इन द टाउन्स ऑफ राजगीर। ये मिलिंद पन्हू है या क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा है, ये एनुमेरेट करता है एज मेनी एज 75 ऑक्यूपेशंस। देखिए ये मिलिंद पन्हू और जो क्वेश्चंस पूछते हैं मिलिंदा ने बुद्धिज्म के रिगार्डिंग, ये अपनी बुक है, ये उसकी बुक है। अगर आपने ये बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मैंने पुरानी वीडियोज़ में इसकी पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करा है, तो प्लीज़ जाएँ और उस वीडियो को ज़रूर देखें। जो विलेज सेटलमेंट है कारीमनगर तेलंगाना में, जहाँ पे कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ, पॉटर्स वगैरह रहते थे सेपरेट क्वार्टर्स में, और एग्रीकल्चर लेबर्स रहते थे एक दूसरे एंड पे। आर्ट क्राफ्ट एसोसिएटेड थे विद द वर्किंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, आयरन, रेड आर्सेनिक और प्रीशियस स्टोन या ज्वेल्स। इससे पता चलता है कि काफ़ी सारी एडवांसमेंट हो गई थी माइनिंग और मेटलर्जी में। जो तेलंगाना का रीजन था आंध्रा में, उसने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी आयरन मैन्युफैक्चर में। क्लोथ मेकिंग और सिल्क वीविंग जो थे उसने भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी थी मथुरा में। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथ था विच वॉज कॉल्ड एट सताका। डाइंग वॉज अ क्राफ्ट इन सम साउथ इंडियन टाउन, और कुछ साउथ इंडियन टाउन में डाइंग भी करते थे, मतलब डाई करते थे ना कपड़ों को भाई। इट वॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा दैट द नॉलेज ऑफ ग्लास ब्लोइंग रीच इन इंडिया। कृष्ण रा की स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हमारे इंडिया में ग्लास ब्लोइंग की नॉलेज भी आ गई। जो कॉइन मिंटिंग थी वो एक इम्पोर्टेंट क्राफ्ट थी। जो अर्बन हैंडीक्राफ्ट थे वो मैन्युफैक्चर करे जाते थे टेराकोटा के द्वारा, जो कि काफी जगह फाइंड हुए हैं सारे कुशान और सतवाना साइट में। बट इन येल्लाशोरवम इन नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट वी फाइंड लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा। सबसे ज़्यादा जो हमें टेराकोटास मिले हैं वो नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट के येल्लासोरवम में मिले हैं। बट गुप्ता और पोस्ट गुप्ता टाइम में क्या हुआ था, ये टेराकोटा का जो फैशन था वो आउट हो गया था। आर्टिशंस जो थे वो ऑर्गेनाइज थे गिल्ड्स में। डिवोटीज ऑफ बुद्धिज्म डिपॉजिट मनी विद दीज गिल्ड्स एंड सेवर्ड ब्राह्मिन्स ओनली। ट्रेड जो है वो होता था इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में। जो पार्थियंस थे ईरान के, वो इंपोर्ट करते थे आइटम ऑफ आयरन एंड स्टील इंडिया से। मॉनसून भी डिस्कवर्ड हुआ इन द बिगनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा। फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी एडी ट्रेड वॉज कैरीड आउट मेनली बाय सी। फर्स्ट सेंचुरी एडी से क्या हुआ, ट्रेड जो है वो मेनली कैरी करा जाने लगा सी के द्वारा। तो ओल्ड जैसे कि आपके ब्रोच हो गए, सुपारा हो गया, अरिकमेदू हो गया और ताम्रलिप्ति हो गया, वो फ्लरिश होना स्टार्ट हो गए। टू रूट्स ऑफ ट्रेड फ्रॉम तक्षशिला सिल्क रोडवेज पासिंग, फर्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिंग तक्षशिला विद लोअर इंडस बेसिन एंड वेर इट पास टू ब्रोच। ये पहला रूट था। और सेकेंड क्या रूट था कि द उत्तर प्रथा इट पासिस थ्रू मॉडर्न पंजाब अप टू वेस्टर्न कोर्स ऑफ यमुना, इट वेंट साउथवर्ड टू मथुरा, पास थ्रू उज्जैन विच वॉज अ मीटिंग पॉइंट। तो ये दो रूट के बारे में मैंने बात करी। अब फॉरन ट्रेड के बारे में बात करें तो रोमन्स ने सबसे पहले ट्रेड स्टार्ट करा था हमारे साउथ इंडिया से, और वो वहाँ से इम्पोर्ट करते थे स्पाइसेस साउथ इंडिया से। इन्होंने इम्पोर्ट करा था मसलिन, पर्ल्स, ज्वेल्स और प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम सेंट्रल एंड द साउथ इंडिया। आयरन जो था, आयरन गुड थे, वो भी एक्सपोर्ट करे जाते थे इंडिया के द्वारा। सिल्क जो था वो डायरेक्टली भेजा जाता था चाइना को टू रोमन एम्पायर थ्रू सिल्क रोड। क्या था, सिल्क वॉज डायरेक्टली सेंड फ्रॉम चाइना टू रोमन एम्पायर थ्रू सिल्क रोड पासिंग थ्रू नॉर्थ अफगानिस्तान एंड ईरान।
समटाइम्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया एंड देन थ्रू कोस्ट टू रोमन एम्पायर। ये पूरा रूट था, ये सिल्क रोड था, वो डायरेक्टली तो चाइना जो है वो सीधा रोमन एम्पायर को भेजता था सिल्क रोड के द्वारा, जो कि नॉर्थ अफगानिस्तान के होकर और ईरान से होकर पास होती है, कभी कभी चाइना से इंडिया में भी आता था, और उसके बाद कोस्ट के थ्रू रोमन एम्पायर में जाता था। इसके रिटर्न में रोम वन जो थे वो एक्सपोर्ट करते थे विनम फोरे। लेड यूज होता था टू मेक कॉइन्स इन सतवाना विच सीम टू हैव इम्पोर्टेड फ्रॉम रोम। लेड जो सतवाना में जिनके कॉइन्स बनते थे, लेड के जो कॉइन्स बनते थे सतवाना पीरियड में, वो ऐसा लगता है कि वो इम्पोर्ट करे जाते थे रोम्स के द्वारा इन द शेप ऑफ कॉइल्ड स्ट्रिप। किस शेप में? कॉइल्ड स्ट्रिप की शेप में वो रोम से इंडिया में आते थे। रोमन का जो एक राइटर था प्लिनी, उसने अपने अकाउंट में नेचुरल हिस्ट्री में लिखा है लैटिन में दैट रोम हैज बीन ड्रेन बाय इंडिया बाय हर ट्रेड। वेस्टर्न्स वर फॉन्ड ऑफ इंडियन पेपर, इट इज कॉल्ड यवन प्रिया इन संस्कृत। सो कंप्लेन्स स्टार्टेड बिगनिंग फ्रॉम रोम रिगार्डिंग एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑफ रोम टू दीज आइटम, सो स्टेप्स हैज बीन टेकन फ्रॉम रोम टू बैन ट्रेड ऑफ स्टील एंड पेपर फ्रॉम इंडिया। होने क्या लगा, जो वेस्ट साइड के लोग थे ना, देखिए सबने अट्रैक्ट किए हुए हैं पेपर की, काफी शौकीन थे खाने के, इंडियन पेपर की, जिसे हम लोग यवन प्रिया कहते हैं संस्कृत में। तो कंप्लेन आना शुरू हो गई रोम से कि बहुत ज्यादा आप खर्चा करते हैं इंडिया से, ये पेपर और स्टील वगैरह मंगा इम्पोर्ट करते हैं, तो हमारा काफी ज्यादा खर्चा होता है। तो अब रोम ने क्या लगा दिया, बैन लगा दिया कि वो ट्रेड नहीं करेगा इंडिया से स्टील और पेपर में। ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद रोम द कुशांस इशूड अ दिनार टाइप और गोल्ड कॉइन्स विच बिकेम अबंडेंट अंडर द गुप्ता रूलर, बट दीज कॉइन्स वर नॉट यूज इन डे टू डे ट्रांजेक्शन फॉर इट लेड कॉपर एंड पोटेंट कॉइन्स वर यूज। क्या हुआ था कि रोम के कॉन्टैक्ट में आने के बाद जो कुशान थे वो इन्होंने इशू करा था एक दिनार टाइप और गोल्ड कॉइन्स इशू कर दिए थे, जो काफी सारे हमें मिलते हैं गुप्ता रूल में, है ना, गुप्ता रूल में। बट ये जो कॉइन्स थे वो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं होते थे, ये यूज होते थे डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए आपका लेड कॉपर और पोटिन कॉइन ही यूज होते थे। कुशांस के पीरियड में लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाए गए हैं। नागास ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड योध्यास ऑफ राजस्थान यूज कॉपर एंड दी ब्रॉन्ज। अर्बन सेटलमेंट की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स थे जैसे कि वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रवस्ती, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। कुछ साइट्स बिहार की जैसे कि चिरान, सोनपुर और बुक्सार जो हैं आर मैसन आर ऑफ कुशान पीरियड। वी नोटिस ब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ कुशान पीरियड बट इन मेनी केसेस द गुप्ता पीरियड हैड पुअरली बिल्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ यूज ऑफ कुशान ब्रिक्स। कुशान का जो फेस था वो डिस्प्ले करता है अर्बनाइजेशन, इम्प्लाई करता है कि टाउन इन द साका किंगडम ऑफ मालवा, है ना, दिस ऑल्सो इम्प्लाइज टाउन इन द साका किंगडम ऑफ मालवा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन वॉज उज्जैन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाउन उस समय का था उज्जैन। क्यों? क्योंकि उसकी जो नोडल पॉइंट ऑफ टू रूट से वो कनेक्टेड था, इस वजह से वो काफी इंपॉर्टेंट बन गया था। इट वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एगैट एंड कार्डेनियन स्टोन्स। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो, share with your friends and subscribe the channel. Thank you so much for the great time. Have a nice day.